अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं अचार गोश्त, चिकन अचार गोश्त, जिसका मसाला जो है ना वो होममेड मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का अचार गोश्त है जिसे हम बनाएंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अचार गोश्त बनाना। अचार गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं कटे हुए, टमाटर लिए हैं 2 लार्ज साइज के कटे हुए छिलका उतार के, यहाँ पे हमने 6 से 7 अदद हरी मिर्ची ली हैं। और अचार गोश्त मसाले के लिए हमें जो चाहिए, कलवंजी चाहिए हमें 1 टीस्पून, मेथी दाना चाहिए 1 टीस्पून, सौंफ चाहिए हमें 1 टीस्पून, राई दाना चाहिए हमें 1 टीस्पून, साबुत धनिया चाहिए 1 टेबल स्पून, जीरा चाहिए हमें 1 टीस्पून, टाटरी चाहिए हमें 1/4 टीस्पून, लेमन जूस चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून, नमक चाहिए 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून, लाल मिर्च चाहिए हमें 1 टीस्पून, और हम इसमें ऐड करेंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट तकरीबन 1 कप भर के। तो ये चीज़ें चाहिए हमें अचार गोश्त बनाने के लिए। मैं अचार गोश्त घर में भी ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है। कुछ लोग होते हैं जो प्याज ऐड नहीं करते, लेकिन प्याज ऐड करने से उसकी जो ग्रेवी होती है ना बहुत कमाल की बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये जो अचार गोश्त के मसाले हैं ना इनको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे जितने भी मसाले हैं ना वो साबुत हैं, उनको हमने दरदरा सा पीस लेना है। तो ठीक है, जार में डालते हैं हम और इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। चलो भी ये हो चुका है, इसको निकालते हैं। चलो भी निकाल के हमने इसको बाउल में डाल दिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। तो ये देखिए जी, हमारा जो मसाला है ना वो रेडी हो चुका है। तो आपने जो मसाला है ना उसको आपने दरदरा रखना है, पाउडर नहीं करना। तो ये हमारा मसाला रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम चिकन पे लगा लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। चले ये लगा के रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेमन जूस लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून और इसमें हम डाल देंगे मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है, जो हमने हरी मिर्चों में फिल करना है। चले इसको मिक्स करते हैं। तो ये देखिए जी, ये मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हरी मिर्चें लेते हैं, इनको कट लगाते हैं और इसमें फिल करते हैं। सेंटर से कट लगाने और इसके जो बीज है ना वो अंदर से निकाल लेने हैं। ठीक है, ये देखें ये निकाल लिया। अब इसमें हम फिल करेंगे ये मसाला, फिल करके हम रखते जाएंगे। तो यहाँ पे रखते जाएंगे, इसी तरह मैं सारी फिल कर लूंगी और रखती जाऊंगी। तो सारी मिर्चें हमने फिल करके रख ली हैं, इनको हम करते हैं साइड पे और चिकन को मैरिनेट करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। आप लोग सोचते हैं कि मैं हर वक्त नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट ही क्यों यूज़ करती हूँ। इसका राज ये है कि नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट से ना मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है। जो दही होती है ना वो पानी भी नहीं छोड़ता और साथ में उसका मैरिनेशन मसाला लगा रहता है और वो कुक करते हुए भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैं नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट ही यूज़ करती हूँ। बाजार का दही होता है वो पानी छोड़ देता है, तो इसलिए मैं यही कहूँगी, आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जब भी मैरिनेट करें तो नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट से ही करें। और अब इसमें ऐड करेंगे ये मसाला, अचार गोश्त मसाला, होममेड अचार गोश्त मसाला। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चले इसको रखते हैं साइड पे। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे तकरीबन 1/2 कप और इसमें ऐड कर देंगे प्याज। और प्याजों को हमने ना लाइट पिंक कलर का होने तक फ्राई करना है। ठीक है, सॉफ्ट करना है प्याजों को, ब्राउन नहीं करना, सॉफ्ट करना है। तो यहां देखिए प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, फ्राई भी हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ देखिए टमाटर और जो प्याज है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको हम हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे।
मिक्स करेंगे और इसमें से पानी डाल के थोड़ा सा मसाला जो है ना वो निकाल लेंगे। हाफ कप पानी हम इसमें डाल देंगे। चलें अब इसको हमने कवर करके छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, पहले हम मीडियम रखेंगे उसके बाद लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये आराम से 15 से 20 मिनट में पक जाएगा। तो यहाँ देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जी लुक हमारे अचार गोश्त की। ग्रेवी ज़बरदस्त सी रेडी हो रही है। अब ऐसा है कि हम थोड़ा सा ना इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए टमाटर प्याज बिल्कुल गल चुके हैं, चिकन भी गल चुका है और अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये हरी मिर्चें ना हम दम पे रखेंगे। ठीक है, इस तरह इसको कवर कर देंगे और दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जी हमारा अचार गोश्त रेडी है। चलें अब इसको हम सर्व करते हैं। तो तैयार है बहुत ही मजे का, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होममेड मसाले से बना हुआ अचार गोश्त। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने जरा हटके बनाया है, इसमें प्याज ऐड किए हैं, तो आप ये घर में बनाएं, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अक्सर जो घर में होते हैं ना वो खाते हैं ग्रेवी वाला अचार गोश्त, कुछ लोग होते हैं वो खुश्क अचार गोश्त खाते हैं। हमारे घर में ना इस तरह का खाया जाता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया। आप लोग ट्राई करें, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग भी घर में इसे जरूर बनाएं और आप लोगों के मेहमानों को बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो के कमेंट करके बताएं कि आपको डिफरेंट किस्म का अचार गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये अचार गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्टाग्राम और इस बटन पर क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बटन पर क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।